हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड्स, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच ओबेज रोल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, रोल्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर, उन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। सो दोज सॉल्यूशंस विच ओबेज रोल्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नोन एज या आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। उन्हीं को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेशन के साथ साथ में कुछ कंडीशंस होंगी जो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो करेंगे। सो कंडीशंस टू बी फॉलोड या कंडीशन दैट आर फॉलोड बाय आइडियल सॉल्यूशंस आर, नंबर वन, द सॉल्यूशन द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। कह सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो प्रेशर्स हैं वो आपके पार्शियल प्रेशर्स हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कि ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज नाइदर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, नाइदर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक नोर एंडोथर्मिक, नहीं तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो और नहीं वो एंडोथर्मिक हो, तो ऐसी कंडीशंस पर हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड कंडीशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एग्जैक्टली इक्वल आनी चाहिए, ना ही तो उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम से ज़्यादा, ना ही इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम से कम आनी चाहिए। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम के सम के इक्वल आनी चाहिए उसकी वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो जो भी सॉल्यूशन ये तीन कंडीशंस फॉलो करता है, जो भी सॉल्यूशन ये तीन कंडीशन फॉलो करता है, साथ ही साथ रोल्स लॉ ओबे करता है हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर की कंडीशन पर, उन्हीं सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर फ्रेंड्स? अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूजुअली जितने भी सॉल्यूशंस हमारे आसपास मिलते हैं वो आइडियल नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो आइडियलिटी शो करते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ए मिक्सचर और सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन यहाँ पर एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इसी तरीके से ब्रोमोबेंजीन
एंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह कैसे एक और है बेंजीन प्लस टोलवीन, बेंजीन और टोलवीन का मिक्सचर भी, बेंजीन और टोलवीन का मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये पूरी तरह से आइडियल नहीं है। ठीक है, जब कभी भी आइडियल सॉल्यूशंस की बात आती है तो वहाँ हमें ग्राफ जरूर प्लॉट करना है। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो ये जो ग्राफ आपका है ये एक कंटेनर की तरह दिखाई देगा। जैसे आप कोई भी कट ड्रॉ करते हैं इसी तरह का आपको ये दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको एक बीकर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना है। ठीक है, एक बीकर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना है कुछ इस टाइप से, जहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन को, डिस्क्राइब करेंगे मोल फ्रैक्शन को। नीचे यहां मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और ऊपर की तरह हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर को। सपोज इस एक्सट्रीम पॉइंट पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। सॉल्यूट 0 है और सॉल्वेंट 1 है, दैट इज हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन पर, इस पर्टिकुलर लाइन पर अभी तक मिक्सचर बना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो उसमें सॉल्यूट मिक्स ही नहीं हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट अभी तक प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, और अगर सॉल्वेंट प्योर स्टेट में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट के प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी नॉट ए से। सपोज इस दूसरे एंड पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट प्योर स्टेट में प्रेजेंट है और सॉल्यूट वोलाटाइल है तो उसके प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट बी, क्योंकि वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। फर्दर आपको क्या करना है कि जैसे ही हम राइट की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पॉइंट से लेफ्ट पॉइंट से राइट की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। विद डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के डिक्रीज होने से सॉल्वेंट का प्रेशर भी डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। बिकॉज रोल्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर डिक्रीज होती चली जाएगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होता चला जाएगा, और जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट 0 है वहाँ पर प्रेशर भी 0 होगा सॉल्वेंट का। तो इस लाइन को हमें कनेक्ट करना है इस एक्सट्रीम पॉइंट तक। इसी टाइप से लेफ्ट वाले पोर्शन में जहाँ सॉल्यूट 0 है और जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे सॉल्यूट की मोल इंक्रीज़ होते गए, तो मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज़ होने से सॉल्यूट का प्रेशर भी इंक्रीज़ होता गया और वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा। यस, तुम कह सकते हैं कि ये जो लाइन स्टार्टिंग जो रिप्रेजेंट कर रही है पी नॉट ए को, उसमें जैसे ही हमने सॉल्वेंट को डिक्रीज़ किया उसमें सॉल्यूट ऐड किया, तब उसका जो प्योर प्रेशर होगा वो प्योर प्रेशर चेंज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। सेम इसी टाइप से जो पी नॉट भी था वो कन्वर्ट हो जाएगा पी बी में, सो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, पी नॉट ए पी नॉट बी को, अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें पी नॉट ए और पी नॉट बी को अगर हम कनेक्ट कर दें, तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू
आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रेशर आता है ये पी ए प्लस पी बी के इक्वल आता है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वाई हेयर डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों हुए हुए हैं, क्या कारण है उनके ज़ीरो होने का, क्या कारण है कि वो ज़ीरो हुई है, वो हमें यहाँ चेक करना है। तो सपोज करते हैं कि इनिशियली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, ठीक है, सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से और दोनों को मिक्स करके बनाया है सॉल्यूशन। तो बिफोर मिक्सिंग यहाँ जो इंट्रैक्शंस होंगी, जो फोर्सेस होंगी, वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट हो रही होंगी और मिक्स होने से पहले यहाँ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स हैं वो सिर्फ सॉल्यूट में ऑपरेट हो रही होंगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बनाया, तो अब यहाँ जो इंट्रैक्शंस होंगी वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही होंगी। तो इफ़ द फोर्स या इफ़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस If the attractive forces before mixing and after mixing, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद में सेम है, इज सेम, देन neither heat is absorbed, तो ना ही हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, ना ही हीट रिलीज की जाएगी। बिकॉज जो इंट्रैक्शन, जितना फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ऑपरेट हो रही है, वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ऑपरेट होंगी। तो ना ही तो हमें बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को डिसोशिएट करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही जो नए बॉन्ड्स बन के आए हैं, जो नई इंट्रैक्शंस बन के आई हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो जो फोर्सेस पहले प्रेजेंट थी, जो इंट्रैक्शंस पहले प्रेजेंट थी, वही सेम इंट्रैक्शंस बाद में भी हैं। यही कारण है कि ना ही तो ये प्रोसेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना ही ये प्रोसेस एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसी वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू ज़ीरो आती है। बिकॉज अगर डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जानी चाहिए, एंड इफ डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव तो फिर ये वैल्यू एंडोथर्मिक हो जानी चाहिए, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेज का बिफोर द मिक्सिंग और आफ्टर द मिक्सिंग वो सेम है, इसी वजह से ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई है, ना ही हीट रिलीज हुई है। और अगर हम बात करें कि वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आया उसके बारे में, तो वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, कि वॉल्यूम किसी भी कंपोनेंट का ज़्यादा होगा अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा। बट यहाँ तो मिक्सिंग से पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रही थी, मिक्स होने के बाद भी उन अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वही है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिफोर द मिक्सिंग एंड आफ्टर द मिक्सिंग विल बी सेम। मिक्स होने से पहले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, मिक्स होने के बाद भी वही अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसलिए वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जो वॉल्यूम पहले थी वही वॉल्यूम बाद में रही, दैट इज़ डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या आ गई, ज़ीरो। ना ही तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ना ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।